हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आप अपने USB साउंड कार्ड को अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा स्टेनबर्ग का साउंड कार्ड है, इसको अपने लैपटॉप में कनेक्ट करके आप सॉन्ग को रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं इसको कनेक्ट करके बताऊंगा, माइक को कनेक्ट करके दिखाऊंगा, इसमें रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ। दोस्तों, अगर आप अपने USB साउंड कार्ड को अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास OTG मोबाइल कनेक्टर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, 100 रुपये का मिल जाएगा, या तो 150 रुपये का मिले। इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आप अपने USB साउंड कार्ड को अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे इसको कनेक्ट करेंगे, माइक को कनेक्ट करके कैसे हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा साउंड कार्ड है दो चैनल वाला, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, दो माइक ऐड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी मैं इसमें डायनामाइक को ऐड करके बताऊंगा, उस पर रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा। तो इसके साथ साथ में ये वाला USB है पोर्ट, ये हम 3.0 में लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो दोस्तों, इसको हम लगा दिए हैं, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पीछे, ये देख सकते हैं मैंने इसको लगा दिया हूँ। और बाकी के दोस्तों, इसमें साउंड आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये हमारा USB पोर्ट अपने साउंड कार्ड में हम लगा लिए हैं। और उसके बाद में ये वाला जो पोर्ट होता है, इसको हम अपने कंप्यूटर में लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, अपने मोबाइल फ़ोन में ऐड करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने भी कनेक्टर के बारे में आपको बताया हूँ, इसमें इसको कनेक्ट करना है। तो दोस्तों, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं इसमें जैसे ही कनेक्ट करूँगा, तो हमारा जो साउंड कार्ड है दोस्तों, वो स्टार्ट हो जाएगा इसकी पावर से, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, ब्लिंकिंग करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है साउंड कार्ड। और अभी दोस्तों, ये यहाँ पर ब्लिंकिंग करना बंद कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा जो साउंड कार्ड है अपने इस मोबाइल से कनेक्ट हो चुका है। अब इसमें अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है, तो आपके पास कोई माइक होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक डायनामाइक है। तो फर्स्ट वाले चैनल पे हम इसको लगा देंगे, इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं माइक को मैंने इसमें ऐड कर दिया हूँ। उसके बाद में अगर आपको कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पर आपके पास रिकॉर्डिंग का कोई भी एप्लीकेशन होना चाहिए। तो मेरे पास एक एप्लीकेशन है, यहाँ पर देख सकते हैं, और इसको मैं ऐसे रख दूंगा। उसके बाद में यहाँ पे एंड्राइड का आइकन आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब आपको रिकॉर्डिंग करनी है, तो यहाँ पे क्लिक करके आपको ऐड ऑडियो ट्रैक के ऊपर आपको क्लिक करना है। ऐड ऑडियो ट्रैक के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे हमें ओके कर देना है। उसके बाद में अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग अगर आपको करनी है माइक के थ्रू, तो इसके लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं रेड कलर का एक गोला दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जो भी माइक में बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों एक ग्रीन कलर का यहाँ पे आपको ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ इस पर रिकॉर्डिंग करनी है, तो इसके लिए यहाँ पर जो लाल कलर का यहाँ पर जो गोला दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और ये दोस्तों यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो भी आप इस माइक में बोलोगे, वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं, छोटा सा एग्जांपल दिखा देते हैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग करके। हेलो हेलो, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपके सामने यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी आप माइक में बोलोगे, इस वाले माइक में जो भी आप बोलोगे, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे रिकॉर्डिंग आपकी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे केवल सिंपल अपने वोकल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ट्रैक के साथ में आप इस पर कैसे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और इस पर जो भी आप इफेक्ट लगाना चाहते हैं, जैसे कि डिले है, डिले अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, रिवर्ब लगा सकते हैं, कंप्रेसर, कोई भी यहाँ पर जो भी आप इफेक्ट लगाना चाहते हैं अपनी आवाज़ में, इफेक्ट लगा सकते हैं। यानी कि आप एक सॉन्ग यहाँ पर बना सकते हैं अपने इस मोबाइल के जरिए। मोबाइल में आप अपने USB साउंड कार्ड को ऐड करना होगा, उसके ही थ्रू आप यहां पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग को बंद कर दिया हूँ, अब इसमें हम कुछ नहीं करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं किसी भी ट्रैक के साथ में। तो यहाँ पे मैंने मोबाइल फ़ोन में भी आपको रिकॉर्डिंग करके यहाँ पे दिखाया हूँ कैसे आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैसे आप अपने USB साउंड कार्ड को अपने मोबाइल से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बात मैं आपको और जानकारी देना चाहता हूं, दोस्तों ये जो मैं आपको बताया हूं, जैसे कि जिनके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, उनके पास केवल मोबाइल है और मोबाइल फ़ोन में वो अपने USB साउंड कार्ड को अगर ऐड करना चाहते हैं, ऐड करके अगर रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो जिस तरह से मैंने इस वीडियो में बताया हूँ उस तरह से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बस आपको एक OTG मोबाइल कनेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको 100 रुपये का मिलेगा, उसको आप अपने मोबाइल फ़ोन में कनेक्ट करना है और जो USB आप पोर्ट देख रहे हैं यहाँ पे, इसको आप अपने OTG कनेक्टर में ऐड कर दीजिएगा। आपका जो मोबाइल फ़ोन होगा आपके USB से कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद में आप अपना जो माइक होगा डायना माइक या फिर कंडेंसर माइक्रोफोन जो आता है आपके बजट के हिसाब से वो ले सकते हैं, इस पे दोस्तों आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक माइक को ऐड किया हूँ, आप चाहो तो 2 माइक को ऐड कर सकते हो। दोस्तों ये इसका गेन लेवल है, जितना गेन लेवल बढ़ाओगे उतना आपका यहाँ पे आपका जो आवाज़ होगा वो दोस्तों यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। ये दोस्तों जो होता है आपके साउंड का होता है, यानी कि जो अगर आप साउंड अगर आप ऐड किए होंगे स्पीकर उसके लिए होता है, ये आपका हेडफोन के लिए होता है। सभी का यूज करना हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसके लिए आपको हमारे नए वीडियो का इंतज़ार करना होगा, आपको हमारे नए वीडियो को देखना होगा। इसके लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि मैं नया वीडियो लेकर आऊँ तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ।